बिलासपुर जिला के झंडोता उपमंडल की ग्राम पंचायत बडोल में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पंचायत क्षेत्र के ही लोग विजय कुमार वेद प्रकाश, पूर्व उप प्रधान विजय राम, वार्ड सदस्य दयाराम के अलावा अन्य लोगों ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता कर ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत में विकास कार्यों को करवाने में भारी वित्तीय व अनियमितताएं हुई हैं, जिसकी शिकायत प्रदेश के सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भी की गई है। उन्होंने उपायुक्त बिलासपुर को पत्र लिखकर उनसे जांच हेतु स्वीकृति भी मांगी है, लेकिन बिलासपुर जिला प्रशासन ना जाने क्यों मूक दर्शन बना हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि इस विषय में जिला प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं करता है या फिर उच्च स्तरीय जाँच नहीं करवाता है तो 1 महीने यानी कि 12 अक्टूबर से उपायुक्त बिलासपुर कार्यालय के बाहर आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 वर्ष पूर्व 6 सितंबर 2019 को विजिलेंस को तथ्यों सहित पूरी शिकायत बनाकर भेजी गई थी, जिसकी प्रतिलिपि राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी भेजी थी, लेकिन नतीजा शून्य रहा। इस पत्र में सारी अनियमितताओं का हवाला दिया गया था। पंचायत में कई विकास कार्यों के सेल्फ जिस स्थान के थे वे काम आज तक पूरे नहीं हुए हैं। सड़क के साथ नाली क्यों नहीं बनी? विभागीय एमवी में सड़क पर बिछी रोड़ी की मोटाई 7 इंच दर्शाई गई है, लेकिन मौके पर रोड़ी मात्र 2.5 इंच की है। इन अनियमितताओं को आरटीआई से पूछने पर कोई भी जवाब आज तक नहीं मिला है। उपायुक्त के पास शिकायत लेकर जाओ तो एडीएम के पास भेजा जाता है, एडीएम एसडीएम के पास भेजता है और एसडीएम आगे बीडीओ के पास भेज देता है, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन आम आदमी के दर्द व भ्रष्टाचार के इस खेल से परे है और इस उच्च स्तरीय जांच की आदेश उन्हें देने चाहिए। उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल के सिवा उनके पास और कोई विकल्प अब बचता नजर नहीं आ रहा है। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं ग्राम पंचायत बडोल का निवासी हूँ। भ्रष्टाचार के कर दिया, लेकिन आज उसकी जांच सही से नहीं हो पाई और जांच जो उसमें कई अनियमितताएं पाई गई। हमने बाबा हिसाब से अनुरोध किए जो है एंटी करप्शन ब्यूरो मंडी को दिया और विभागों का भी डीसी साहब को कहता, लेकिन डीसी ने नहीं सुनी और अब तक इस भ्रष्टाचार की जांच वो नहीं हो सकी। डीसी साहब को एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं दे रहे हैं तो डीसी साहब ने इस जांच को सही तरीके से मतलब विजिलेंस नहीं दिया तो हम 12 तारीख को डीसी ऑफिस के सामने मन प्रसन्न करेंगे